अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं फिर से घूमने के लिए। इधर देखो अब कहाँ जाएंगे अंशु जी? हाँ किला देखने। हाँ जा रहे हो किला देखने? यहाँ तक किला है तो उसे देख के आएंगे। जोधपुर में आ चुके हैं अब हम। ये हमारा तीसरा दिन है। हाँ, हम पहले खाना खाया, फिर अभी तो हमने खाना खा ही लिया है, चाय पिया ना। हाँ अभी चाय पीएंगे हमने। बाहर के कपड़ों में नींद नहीं आती है। चलो तो हम चलते हैं। चलो 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 जल्दी मिलते हैं आपसे गाड़ी में जाके। हम रखिए तू रखवाया जाओ। यू आर ऐसा अलग कहाँ के लिए चलती नागर जी? अब जैसलमेर। तो फाइनली अब जैसलमेर का टूर हो रहा। अब बैग थैला इतने हो चुके हैं कि आ नहीं रहे गाड़ी में, जबरदस्ती करी जा रही है इनके साथ में। नेहा उधर से आते हुए, ये नेहा आ चुकी उधर से। देख हम तीनों कैसे लग रहे जरूर बताना। आज येलो येलो हो रहे थे, दिखाना मनीषा जी। हटिया ये मनीषा जी का लुक है। अरे अरे मैं ये भी येलो है, येलो सब येलो है। तीनों बहन येलो येलो हो चुके आज। जोधपुर का नजारा देख लीजिए आप भी। इस होटल में रुके हुए थे। दीदी ऊपर ऊपर भी खड़े हैं, किले के ऊपर है। हाँ जी हेलो गाइस, जैसा कि आपको बताया था कि जोधपुर जाएंगे किला देखने, तो किला देखने हम आ चुके हैं। यहाँ पे सभी चीज़ें हैं राजाओं महाराजाओं के, मतलब
रानी का महल, शीश महल, राजा का महल, नृत्य वो सभा वगैरह बैठती थी, सभी कुछ है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ का व्यू आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा है। और वो है ना, कभी कभी यहाँ पे युद्ध हुआ करते थे, मतलब युद्ध तो होते ही थे पहले ज़माने में। और इतना बड़े बड़े लोहे के गेट, अंदर चल के देखेगा आप हमारे साथ, पूरा व्लॉग देख के जाइएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें अंदर, जो अकबर का जो वो सूट होता है, राजा राजा महाराजाओं के कपड़े वगैरह सब, मतलब यहाँ पे सेफली रखे गए। हम किले के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे देखो तोप रखी हुई है जिनसे महाराजा की लड़ाई हो रही है। हम तो ना अंदर घुसते ही मतलब ऐसे लग रहा था एक ही चीज़ को बार बार देखते रहे, मतलब खोजे गए थे। देखे जो हमारे साथ थे वो सब आगे निकल गए थे, लेकिन हम यहीं पे ही पूरा टाइम वेस्ट करने में लग गए और यहीं पे ही घूमते रहे कुछ देर। तीनों बहनें और बच्चे हमारे साथ में ही थे। और अंदर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और जहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं ना, तो ऐसे पुराने ज़माने का सीसीटीवी कैमरा बताया जा रहा था कि ये पुराने ज़माने के सीसीटीवी कैमरे हैं, कभी युद्ध होने लगे तो यहाँ से देख जाता था कि क्या हो रहा है नगरी में। तो गाइज ऐसी चीज़ें तो हमने रियल में मतलब ऐसे देखी नहीं थी, टीवी में वगैरह में ही देखते थे, कभी टीवी देखते थे तो तभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन आज लाइव देखने को मिल रहा है, मतलब आँखों अपनी आँखों से देखने के लिए मिल रहा है। यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि हम मतलब ये और जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पुराने ज़माने की पेंटिंग कभी बनाई थी, जैसे जिसने बनाई थी, कौन सी सन में बनाई थी, कब बनाई थी, ये सभी चीज़ें देखने को मिली। राजा महाराजाओं की बनाई हुई पेंटिंग और सभी चीज़ें थी यहाँ पे देखने के लिए। ये भाई सब जब गए होंगे या फिर से डेकोरेट करे गए होंगे? तो ये जो जगह देख रहे हैं हम, ये वो जगह है जहाँ पे मतलब जश्न मनाते थे ना राजा लोग, जब कुछ खुशी होती थी या कुछ युद्ध वगैरह जीत जाते थे तो यहाँ पे नृत्य होता था, नृत्य
तो लाइव मिल रहा है बिल्कुल देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे फील आ रही थी कि बिल्कुल यहीं पे हमारे सामने लोग राजा लोग बैठे हुए और हम देख रहे हैं। हेलो गाइस, तो ये देखिए हमारी रानी का कक्ष कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। महारानी का कक्ष देखने में इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। आप भी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। पालना है पहले के। ये सभी पालने तो चला जाओ उनकी घर जा। ये तो पेक करने के ज्यादा भूल हो रही है, सभी आ रहे किधर देखने के लिए। कल लाती ना वैसे तो लेती। जो महाराजा पूजा करते हैं, महाराजा पूजा करते हैं।
ये वो गेट है जो युद्ध के टाइम पे खोला नहीं जाता था, जिसे सैनिक खोलते थे, बड़ा सा गेट एकदम आक्रमण। ये है पूरे किले का नक्शा बनाया गया है, ये पूरे किले का। लगी किला घूम के बहुत ही मजा आया भाई, देखने में ऐसा लग रही है कि पुराने जमाने में पहुंच गए राजा महाराजा के सब चीज ही, जहाँ वे मतलब इतना अच्छा लग रहा है देख के, तो इमेजिन करके तो ऐसा लग रहा है, सोच के वहाँ जहाँ उनका डांस हो कर नृत्य करने को जो है। हाँ बहुत ही अच्छी जो हमें कलम से लिखे कर रहे हैं वो भी दिखा ना, देखो ये डायरी दी है मतलब एक तरह की, पहला जैसा तो अब कुछ रहा नहीं, बिल्कुल भी अलग होगा। अब हम नीचे आकर बैठ चुके हैं ऊपर स्कूल का, कई दिन मैं ऐसा लिख कर देखूंगी साई अलग लिखाड़ के और मोर की पैच लेकर। मम्मा किचन गेट भी, यार जो गेट को पूज रही ना आप उस गेट के लिए ना बोल रहे हैं कि मतलब अंदर से तो मतलब ऐसे दिख ना रहा, बिल्कुल लग रहा है ऐसा जिस कुछ दिखता ना होगा अंदर से, पर अंदर से सब कुछ दिख रहा है ऐसा वैसा वो लोहे का है। मिलो में देखो हाथी इन पर गाय इन पर घोड़े इन पर चल कर गए और ना पैदल। हेलो गाइस, तो चलते चलते थक गए, अब हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे। यहाँ पे हम तीनों बहनों ने कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्या है कि क्या हुआ था हमारे साथ, ये सब लोगों ने मतलब खाना खा लिया था और हम वहाँ पे रुके, लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ से दीदी को एलर्जी थी तो इसलिए दीदी ने खाना नहीं खाया वहाँ पे। किसी चीज़ क्या, दीदी को स्मोकिंग जो करने वाले लोग हैं उनके हाथों का खाना पसंद नहीं है और वहाँ पे बैठ के ये खा भी नहीं सकते हैं, इनको उल्टी वगैरह आने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे हमने नहीं खाया। वैसे वहाँ का खाना अच्छा था, मतलब देसी खाना था जैसे घर पे मिलता है, साग रोटी बाजरे की रोटी साग वगैरह और राजस्थानी कढ़ी तो हमने कई बार खाई थी, फेमस है सुना था मतलब। तो अब हम यहाँ पे रुके होटल में और यहाँ पे हमने छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए और तब तक हम पेप्सी इंजॉय कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं, और उधर जो बैठे हुए हैं उन्होंने ब्रेड पकौड़ा पकौड़ी चाय वगैरह ऑर्डर की थी, उन्होंने चाय ली थी और हमने छोले भटूरे खाए थे। तो गाइज आप नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, नेक्स्ट व्लॉग भी इससे भी अच्छा आने वाला है और भी अच्छा आने वाला है, वो जैसलमेर का है। यहाँ से सीधा हम जैसलमेर के लिए निकले थे, तो आप भी खा लीजिए गाइज हमारे साथ, इंजॉय करिए छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। क्या है हमारे साथ क्या हो रहा था कि मतलब चाय वगैरह में कुछ भी वहाँ पे मतलब पसंद ही नहीं आ रही थी, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी और कुछ कुछ कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हमने यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह खरीद किया और फिर आगे के लिए निकले।
हेलो गाइस, तो यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और अब निकल जाते हैं हम जैसलमेर के लिए और रास्ते में देखे हमने देखे जंगली सफर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको हमारे व्लॉग बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।